दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसी मूवी लेकर आए हैं जो आपको आपका ड्रीम पूरा करने में हेल्प करेगी। ये मूवी मेहनत, जिम्मेदारी और दृढ़ निश्चय से कूट कूट कर भरी हुई है। हम सभी का कोई ना कोई ड्रीम जरूर होता है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं, और कभी कभी उसके लिए हमें पूरी दुनिया से लड़ना भी पड़ता है। तो इस मूवी में आपको एक ऐसी ही सीख मिलेगी जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये शानदार ट्रू मोटिवेशनल स्टोरी जिसकी IMDB रेटिंग है 7.7। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, इसलिए अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मूवी की शुरुआत में हमें टॉम नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो एक बैंक में $3 बिलियन का लोन लेने आता है। लेकिन बैंक का एक एम्प्लॉई उससे पूछता है कि इतने पैसे का तुम आखिर क्या करोगे, और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें फ्लैशबैक में टॉम की कहानी दिखाई जाती है, जहां हमें पता चलता है कि टॉम हाई स्कूल का एक स्टूडेंट है और वो अपने स्कूल के दिनों में कंप्यूटर गेम्स में बहुत एक्सपर्ट होता है और केवल अपनी इस स्किल की वजह से वो बहुत पैसे भी कमाता है। लेकिन गेम्स की वजह से उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। वो अपने कमाए हुए पैसों से अपने लिए एक कार खरीदता है और उस कार को लेकर अपने स्कूल पहुंचता है, जहां सारे बच्चे उसकी न्यू कार को देखने लगते हैं। यहां टॉम की एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम जिन है, वो भी उसकी न्यू कार को देखकर बहुत खुश होती है। अब शाम को जब टॉम अपने घर वापस आता है तो उसके पेरेंट्स उसकी न्यू कार को देखकर नाराज हो जाते हैं, क्योंकि टॉम के पिता का कहना था कि तुम्हें पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अब यहां टॉम और उसके पिता में बहस होने लगती है, लेकिन टॉम पर इन सब बातों का कोई खास असर नहीं होता। वो बस ऐसे ही कंप्यूटर गेम्स में बिजी रहता है जिसकी वजह से उसके मार्क्स भी बहुत कम आते हैं, और इन्हीं सब रीजंस की वजह से उसका किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पा रहा था। लेकिन टॉम को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक दिन जब टॉम बाहर से गेम खेलकर अपने घर आता है तो टॉम के पिता उसको एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए बोलते हैं, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बहुत महंगा था, जिसकी वजह से टॉम के माता पिता की आपस में ही बहस होने लगती है। अब टॉम भी वहीं खड़ा था तो वो भी उनकी बहस सुन लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। ये देखकर टॉम को बहुत दुख होता है, इसलिए वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए मना कर देता है और फैमिली को सपोर्ट करने के बारे में सोचने लगता है। अब जैसे ही वो अपना कंप्यूटर गेम ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि उसका गेमिंग अकाउंट कुछ गलत एक्टिविटी की वजह से ब्लॉक कर दिया गया है, जिसे देखकर वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। अब टॉम के पास जो भी सेविंग्स थी वो उन्हीं से अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के बारे में सोचने लगता है और मार्केट जाकर बहुत सारे DVD प्लेयर्स बहुत सस्ते रेट में खरीद लेता है। वापस आकर वो अपने पिता को DVD प्लेयर का बिजनेस समझाने लगता है और उन्हें एक DVD प्लेयर चलाकर भी दिखाता है। लेकिन जैसे ही वो उसको प्ले करने के लिए ओपन करता है तो वो समझ जाता है कि DVD प्लेयर खराब है, और वो समझ जाता है कि उस दुकान वाले ने उसको DVD प्लेयर इतने सस्ते रेट में क्यों दिया। टॉम वापस उसी शॉपकीपर के पास फिर से जाता है जहां उन दोनों में बहस होने लगती है, और वो दुकानदार टॉम को एक थप्पड़ रसीद करके वहां से भगा देता है। अब टॉम के इस आइडिया ने उसकी सारी सेविंग्स को खत्म कर दिया था। वो दुखी मन से वापस अपने घर आता है, तभी रास्ते में उसके पिता उसको मिल जाते हैं। अब टॉम के पिता टॉम को प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कुछ पैसे देते हैं, लेकिन टॉम उनको मना करते हुए बोलता है कि उसको एक बिजनेसमैन बनना है, उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। ये सुनकर टॉम के पिता गुस्सा हो जाते हैं। अब देर रात तक हम टॉम को अपने घर में ही चोरी करते हुए देखते हैं। यहाँ वो एक गोल्ड की ज्वेलरी को चुरा लेता है और खुद से वादा करता है कि वो एक दिन इसको जरूर वापस करेगा। खैर अब टॉम अगली सुबह मार्केट जाकर उस गोल्ड को बेच देता है, जिसके बाद वो एक एग्जीबिशन में जाता है जहां वो एक चेस्ट नट बनाने की मशीन को देखता है, और जब वो चेस्ट नट खाकर टेस्ट करता है तो वो उसको इतने पसंद आते हैं कि वो मन ही मन सोच लेता है कि अब वो इन्हीं का बिजनेस करेगा। ये सोचकर टॉम अब उस मशीन को खरीद लेता है और मार्केट में जाकर बहुत सारे शॉपकीपर से मिलता है और उनसे चेस्ट नट बनाने के तरीकों को सीखने लगता है। इसके बाद टॉम भी चेस्ट नट बनाकर देखता है और सबसे पहले अपने पेरेंट्स को टेस्ट करवाता है, जिन्हें वो अच्छे लगते हैं। कुछ दिनों बाद टॉम अपने एक अंकल को अपने साथ रख लेता है और दोनों मिलकर एक मॉल में अपना चेस्टनट का स्टॉल लगा लेते हैं, जहां उनकी बिक्री बहुत कम होती है, जिससे अंकल और टॉम दोनों ही काफी परेशान रहने लगते हैं। लेकिन टॉम इतनी जल्दी हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। वो मार्केट जाकर अपने चेस्टनट को बेचने की तरकीब सीखने लगता है और अपने चेस्टनट का प्राइस औरों से सस्ता करके बेचना शुरू कर देता है, जिससे उसका बिजनेस ठीक ठाक चलना शुरू हो जाता है।
लेकिन टॉम की ये खुशी भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती, क्योंकि उसकी चेस्टनट बनाने वाली मशीन से जो धुआं निकलता था उससे उस मॉल की छत काली पड़ने लगी थी, जिसकी वजह से मॉल का मालिक वहां आकर टॉम से कहता है कि अगर तुमने इसको कल सुबह तक ठीक नहीं किया तो मैं तुम्हें इस मॉल से निकाल दूंगा। इसके बाद टॉम फौरन उस काली जगह को पेंट करने लगता है, तो गार्ड उसको बोलता है कि अभी तुम ये काम नहीं कर सकते, ये काम तुम रात में करना, क्योंकि अभी लोग तुम्हारे इस काम से डिस्टर्ब हो रहे हैं। टॉम उसकी बात को मान जाता है और फिर अपनी माँ के साथ रात को पेंट करने मॉल पहुँचता है। तभी मॉल का दूसरा गार्ड उसको बोलता है कि अब मॉल बंद होने का समय हो गया है, तुम अब ये काम नहीं कर सकते। टॉम उस गार्ड को काफी समझाता है लेकिन वो एक नहीं सुनता, जिसके बाद टॉम और उसकी माँ वहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ हम टॉम को काफी गुस्से में देखते हैं। तभी टॉम की माँ बातों ही बातों में टॉम को बताती है कि उन लोगों के ऊपर बहुत सारा कर्ज है, जिसकी वजह से वो लोग कल चाइना शिफ्ट हो रहे हैं। अब ये सुनकर टॉम बहुत ज्यादा दुखी होता है। यहाँ टॉम का बिजनेस भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा था, तो उसके माता पिता उसको समझाते हैं कि तुम हमारे साथ चलो और वहाँ अपनी स्टडी को पूरा करो। लेकिन टॉम ने सोच रखा था कि उसको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन ही बनना है, चाहे उसे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, और अब चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी फैमिली के ऊपर जो कर्ज है उसको उतार कर ही मानेगा। अब टॉम जब अपने घर पर आता है तो देखता है कि उसके घर पर बैंक का नोटिस लगा हुआ है, जिसमें लिखा था कि अगर जल्दी से बैंक के पैसे नहीं दिए तो उसके घर को नीलाम कर दिया जाएगा। ये देखकर टॉम बिल्कुल ही टूट जाता है और बहुत ही दुखी होता है। और उसी शाम जब टॉम अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है तो उसे जोर से हग करके रोने लगता है। वो अंदर ही अंदर बिखर चुका था, उसके सपने उसके पेरेंट्स की सोच से कहीं ज्यादा ऊंचे थे, लेकिन वो जो कुछ भी कर रहा था सभी में बस नाकामयाबी ही हासिल हो रही थी। खैर, अब टॉम को ऐसे रोते देख उसकी गर्लफ्रेंड उसको घर ले जाने लगती है, और इसी बीच वो रास्ते में टॉम को फ्राइड सी फूड खिलाती है जो उसे काफी पसंद आते हैं। अब टॉम के दिमाग में उनको बेचने का आइडिया आता है, तो वो एक प्रोफेसर के पास जाकर उनसे पूछता है कि ये खाने के आइटम को किसी पैकिंग में कैसे रख सकते हैं। तो वो प्रोफेसर भी उसकी हेल्प करती है और उसको पूरा प्रोसेस समझा देती है। अब ये सब जानकारी मिलते ही उसने अपने पुराने बिजनेस का सारा सामान बेच दिया और उन पैसों से सी फूड का सामान खरीद लिया और अपने अंकल के साथ उनको फ्राई करने में लग गया। लेकिन बहुत बार ट्राई करने पर भी वो सी फूड बिल्कुल बेकार ही बन रहे थे, जो खुद अंकल और टॉम को भी पसंद नहीं आते, और अब सी फूड खत्म हो चुके थे। अब और सी फूड खरीदने के लिए उसने अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को भी बेच दिया। यहाँ हम देखते हैं कि बीच बीच में टॉम के अंकल टॉम को हमेशा सपोर्ट करते थे, लेकिन वो उसको दुखी नहीं देख सकते थे, वो हमेशा उसको मोटिवेट रखने की कोशिश करते थे। अब एक दिन टॉम अपने घर आता है और वो देखता है कि उसके अंकल वॉशरूम में बेहोश पड़े हैं और उनका खून भी बह रहा है। टॉम जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसी रात एक सी फूड का पैकेट बारिश में पूरी रात भीगता रहता है, क्योंकि वो पैकेट बाहर रह गया था। अब टॉम अंकल को हॉस्पिटल में छोड़कर वापस आता है और सी फूड रेडी करने लगता है, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी उसमें वो टेस्ट नहीं आ रहा था जो टॉम चाह रहा था। धीरे धीरे अब वो भी दुखी होने लगा था, लेकिन तभी उसकी नज़र उस बारिश में भीगे हुए पैकेट पर पड़ती है, तो आखिरी बार वो उसको तेल में फ्राई करता है और जब वो उसे टेस्ट करता है तो उसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। अब टॉम समझ जाता है कि ये पैकेट पूरी रात पानी में था, इसलिए इसका टेस्ट ऐसा है। अब वो उस फ्राइड सी फूड को अपने अंकल को टेस्ट करवाता है और अंकल भी उसे चखकर काफी खुश हो जाते हैं। अब धीरे धीरे अंकल की हालत में सुधार आने लगता है, जिसके बाद उन दोनों ने सी फूड को बेचना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनका बिजनेस भी अच्छा चलने लगता है। अब टॉम एक टारगेट सेट करता है कि वो अगले एक साल में 10 लाख की सेल करेगा, जिससे वो अपनी फैमिली के सारे कर्ज को चुका देगा। और तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली पर लाखों का नहीं करोड़ों का कर्ज है, जिसे सुनकर टॉम बिल्कुल ही टूट जाता है। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि टॉम हार मानने वालों में से नहीं था। एक दिन टॉम एक बहुत ही बड़े मार्ट को देखता है, जैसे इंडिया में जियो मार्ट है वैसे ही इंडोनेशिया में 7-11 मार्ट होता है, जहां से आप खाने का कोई भी आइटम खरीद सकते हैं। तो टॉम को एक आइडिया आता है कि अगर वो अपने सी फूड को यहां पर सेल करेगा तो उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा। फिर वो कुछ दिन बाद उस मार्ट के डायरेक्टर के पास अपने सी फूड को लेकर जाता है और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताने लगता है, लेकिन डायरेक्टर उसके पैकेजिंग स्टाइल को देखकर ही उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि उसकी पैकेजिंग स्टाइल काफी ओल्ड थी। जिसके बाद टॉम दुखी मन से अपने घर आ जाता है। अब यहाँ टॉम को अपनी गर्लफ्रेंड मिलती है, जो उससे बोलती है कि तुम दुखी मत हो, मैं अपने पापा से तुम्हारी बात करूंगी और वो हमारी मदद जरूर करेंगे। लेकिन टॉम उसको साफ मना कर देता है, क्योंकि इससे टॉम के स्वाभिमान को ठेस पहुंचती। अब टॉम एक डिजाइनर के पास जाता है और अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए डिजाइन सिलेक्ट करता है
और पैकेट रेडी कर लेता है। अब अगले दिन वो अपने पैकेट्स को लेकर फिर से मार्ट जाता है, लेकिन आज उस मार्ट की डायरेक्टर बहुत बिजी होती है, तो काफी देर वेट करने के बाद वो अपने पैकेट्स को एक गार्ड के पास ही छोड़कर चला जाता है। इसी बीच टॉम के पिता उसे कॉल करके बोलते हैं कि बेटा अभी भी टाइम है, तुम हमारे पास आ जाओ और अपनी स्टडी पर फोकस करो। लेकिन टॉम अभी भी उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ ऑफिस में इतने सारे पैकेट्स को देखकर सब लोग एक एक पैकेट ले लेते हैं और सबको वो प्रोडक्ट्स काफी पसंद आते हैं, जिसके बाद वहाँ की डायरेक्टर टॉम को एक मीटिंग के लिए बुलाती है। वो बोलती है कि हमें तुम्हारा प्रोडक्ट और उसकी पैकेजिंग काफी पसंद आई, इसलिए हमें तुमसे 1,00,000 पैकेट्स चाहिए और हम लोग कभी भी तुम्हारी फैक्ट्री में आकर साफ सफाई की जांच भी कर सकते हैं। ये सुनकर टॉम खुश तो होता है, लेकिन इतने सारे पैकेट्स के लिए उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई फैक्ट्री। अब इसके लिए टॉम एक बैंक में जाता है और यही सीन हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। यहाँ वो $3 बिलियन के लोन की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन बैंक का मैनेजर उसको मना कर देता है क्योंकि उसकी फैमिली पर पहले से ही बैंक का काफी कर्जा था और उनका रिकॉर्ड भी बहुत खराब था। इसके बाद टॉम अपनी कार को बेच देता है और अपने पिता की पुरानी शॉप को खोलकर उसी में अपना काम करना शुरू कर देता है। और जब वो अपने इस काम को कर रहा था तो एक दिन वो एक मेट्रो स्टेशन पर देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के साथ घूम रही है, क्योंकि टॉम ने अपनी बिजनेस की जिद में कभी अपनी गर्लफ्रेंड पर ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन अब टॉम ने अपनी मेहनत के दम पर अपनी फैक्ट्री का सेटअप रेडी कर लिया था। अब एक दिन उसकी फैक्ट्री की साफ सफाई चेक करने के लिए एक टीम आती है। वो लोग देखते हैं कि अभी भी टॉम की फैक्ट्री में साफ सफाई में थोड़ी कमी रह गई है, इसलिए वो लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और उसको अप्रूवल दे देते हैं, जिससे टॉम बहुत खुश हो जाता है। अब टॉम ने सारे पैकेट्स रेडी कर लिए थे जिनको आज डिलीवर करना था। अब अचानक टॉम बाहर आता है और अपने अंकल के गले लग जाता है, क्योंकि एक वो ही थे जिन्होंने इन सब में उसका हमेशा साथ दिया था। अब टॉम जल्दी जल्दी सारा सामान लेकर वेयर हाउस जाता है, जहां वेयर हाउस का मैनेजर उसको बोलता है कि वो 1 घंटा लेट है और अब वो ये सामान नहीं ले सकता। यहां टॉम उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है और हाथ भी जोड़ता है। उसके इतना रिक्वेस्ट करने पर मैनेजर को उस पर तरस आ जाता है और वो सामान लेने के लिए तैयार हो जाता है। यहां टॉम एक राहत की सांस लेता है और आज वो अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है। इसके बाद टॉम बड़ी शान से अपने पेरेंट्स को कॉल करता है और बोलता है कि अब आप लोग यहां आकर रह सकते हो, मैंने सब कुछ सही कर दिया है। अब हमें 2 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां टॉम एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है और अपनी मेहनत के दम पर उसने अपनी फैमिली का सारा कर्ज चुका दिया है। और आगे हम देखते हैं कि कुछ सालों में ही टॉम अपनी कंट्री का यंगेस्ट बिलियनर बन चुका है। दोस्तों, आपको क्या लग रहा था कि ये एक फिल्मी कहानी है, किसी ने ऐसे ही बैठकर पेपर पर लिख दी होगी? नहीं, ये वाकई में एक ट्रू स्टोरी है। आप जरा सोचिए कि इसने कितनी मेहनत की होगी, कितने धक्के खाए होंगे, कितना कुछ सहा होगा, अंदर ही अंदर कितना कुछ महसूस किया होगा। मैं जानता हूँ आपका भी कोई ना कोई ड्रीम तो जरूर होगा, जिसके पीछे आप भी भाग रहे होंगे, जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद और दिन का चैन सब कुछ खो जाता होगा। तो दोस्तों, लगे रहिए, कोशिश करते रहिए, यही सबसे बड़ी जिद होती है जो हमें कामयाब बनाती है। तो कामयाब बनने के सपने देखिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपका क्या सपना है। अगर इस मोटिवेशनल स्टोरी ने आपको मोटिवेट किया है तो इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना। साथ ही अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि ऐसे ही ट्रू मोटिवेशनल स्टोरीज आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, हम मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।